तेरा चल क्या रहा है? मेरी सर्विस में अब तक मैंने ऐसा फैमिली एंटरटेनमेंट कभी नहीं देखा। मेरा डॉक्टर कहता है, सुनिए आप चाय कम पीजिए, आप चाय कम कर दीजिए, लेकिन तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद इतनी टेंशन हो गई कि चाय पर चाय पीता चला गया, लेकिन बात हजम नहीं हुई। तो मुझ पर बस इतनी मेहरबानी कर कि मुझे सच्चाई का पता चल जाए। सर, इसने जो कुछ भी किया है उस सब का विटनेस है ये टैक्सी वाला। क्या रे, सच है क्या ये? वो क्या है सर, ये मैडम को इसने किडनैप किया ये सच है सर। इन लोगों के घर जाकर झगड़ा किया वो भी सच है सर, लेकिन ये सबका विटनेस मैं हूँ ये सच नहीं है सर। तो फिर हुआ क्या? क्या हुआ, पता चलने से पहले सब कुछ हो गया था सर। सीआई साहब, अचानक सुबह हमारे घर आ गया और मेरी भांजी की इज्जत पर हाथ डाला, और जब मैं बीच में आया तो मुझे भी मारा। आप इमीडिएटली इन पर एक्शन लीजिए, वरना मैं सीधा कमिश्नर तक जाऊंगा। हो जाइए, कमिश्नर को कंप्लेंट करेंगे, किसी सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे। ये क्या क्या डरा रहे हो मुझे? वैसे भी मेरी परेशानी चाय पीकर खत्म नहीं हुई है। कांस्टेबल संजीव कुमार सर, इन लोगों से कंप्लेंट लेकर इस पर सेक्शन 361 किडनैप का केस लगा, 261 न्यूसेंस का भी केस लगा। अब तो खुश हुए? अब ये लोग कौन है? गोरसे के माँ बाप। ये किसी और को माँ बाप बोलता है, कोई और इसे बेटा बोलता है। जरा फिर से बताओ तो। गोरसे हमारा बेटा है। ओहो, ये ट्विस्ट तो शॉकिंग है, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सुना तुमने, तुम्हारे माँ बाप मिल गए? यू आर वेरी लकी। तो आप दोनों कहाँ से आए? हम मुंबई से आए हैं। मेरे बेटे के सर पर मार लगी थी तो हॉस्पिटल में भर्ती किया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख लीजिए। थैंक यू। अब केस समझ में आ गया है? ये भाई साहब अपने माँ बाप से बिछड़कर कहीं पर भी जाकर जो भी रास्ते में मिले उसे अपना माँ बाप समझ रहे हैं। क्यों, यही सच है ना? तुम्हारी बीमारी की वजह से यहाँ सबका टाइम वेस्ट हो गया। नॉनसेंस, अब बातें बहुत हुई, चलो निकलो यहाँ से। बेटा, तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है मैं कितनी डर गई थी? तू अपनों को छोड़कर इन पराए लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चलो घर चलते हैं। आप लोग ये बेकार की नौटंकी बंद करेंगे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तेरे नहीं कहने से क्या होता, हमारा रिश्ता थोड़े ही खत्म हो जाएगा। क्या तुझे कुछ भी याद नहीं है? ए सुन, जब तू मेरे कोख में था तो मैं बहुत खुश हुई थी ये सोचकर कि तू मेरा सहारा बनेगा, हमें संभालेगा। लेकिन तू तो बदल गया। जिन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया वो माँ बाप तुझे याद नहीं? तुझे हमसे शिकायत है तो हमें पहचानने से इनकार कर। लेकिन उस बेचारी का क्या दोष है जो तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनकर तेरा इंतजार कर रही है? तुझसे शादी करने के सिर्फ 3 दिन बाद ही वो बेचारी तुझसे दूर हो गई। तब से लेकर आज तक वो तेरी राह देख रही है। रितु, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। तुम मुझे नहीं पहचानते? अब कहो कि इस टैटू को भी नहीं पहचानते जिस पर मेरा नाम लिखा है? अब भी तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है? नहीं, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले असली माँ बाप ये हैं।
और ये है मेरी असली माशुका। हे ऊपर वाले, ये तू मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है? देखो तो, बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़कर हम जैसों को परेशान कर रही है। सुने लड़के, तुम्हारे माँ बाप ये हैं। बेटा, इतनी बेइज्जती होने के बाद तुम यहाँ रहना चाहते हो? चलो हमारे साथ। सिर्फ तुम्हें छू कर बता सकता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ए, तुम मेंटल हो क्या कि याददाश्त खो गई है? जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी को भी अपना माँ बाप बोल रहे हो? ठीक है, तुम्हारे माँ बाप कौन है ये पता करने का अब एक ही रास्ता है, DNA टेस्ट। अगर उस टेस्ट में ये साबित हो गया कि ये ही तुम्हारे माँ बाप हैं, तो मैं भी मान लूंगी कि मैं ही तुम्हारी लवर हूँ और तुमसे शादी भी करूंगी। क्या तुम तैयार हो? ये क्या पंगा है? अरे वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत कमाल का है। अब हम ऐसा ही करेंगे, अब पहले हॉस्पिटल लेके जाओ और DNA टेस्ट करवाओ। फाइनली ये पेचीदा केस सॉल्व हो गया। एक्सक्यूज मी, आप में से भूपति मालती देवी कौन है? हम ही हैं डॉक्टर साहब। DNA टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़का आप ही का प्रूफ हुआ है। नो! गुड से बेटा, अब तो हम पर यकीन करेगा। मैडम, इस सच्चाई को हजम करने के लिए उसे थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे साथ आइए मिस्टर गोडसे। ये आपकी ब्रेन की मेमोरी सेल्स हैं। आपके सिर में गहरी चोट लगने की वजह से आपके ब्रेन की 70% मेमोरी सेल्स डैमेज हो चुकी हैं और फिलहाल सिर्फ 30% सेल्स ही काम कर रही हैं। इसीलिए आपको कुछ करीबी लोग ही याद रहेंगे और आप कब तक रिकवर करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, बेसिकली हम मुंबई के हैं लेकिन इसे लगता है कि हैदराबाद का है। yes, जबकि हम लोग इसे हमारी मेडिकल टर्म में देजावू कहा जाता है। इसमें किसी नई जगह पर जाने पर भी लगता है कि जैसे हम पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं। ठीक उसी तरह किसी इंसान को देखने पर भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम उसे पहले से पहचानते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन ब्रेन का स्वभाव है। आम इंसान में ये 2-3% होता है जबकि आपके लड़के को 100% है। बाय द वे, आपका बेटा हैदराबाद कभी आया है? बिजनेस के काम से महीने में एक बार ये यहाँ आया करता था डॉक्टर। बस यही प्रॉब्लम है, इनके ब्रेन का मेन ट्रैक इरेज हो गया है और सब ट्रैक ही काम कर रहा है। इसीलिए हैदराबाद और आसपास की जगह और यहाँ के आदमी ही इनको याद है। मुझे लगता है इन मैडम जी और बाकी सबको इन्होंने कभी देखा होगा, इसी कारण से इस तरह बिहेव कर रहे हैं। मिस्टर गोडसे, इस समय आपका ब्रेन जो भी आपसे कहता है उसे नजरअंदाज कर आपको अपने माता पिता की बातों को अमल में लाना चाहिए। महालक्ष्मी, तुमसे एक बार बात कर सकता हूं? ये मेडिकल टेस्ट, DNA रिपोर्ट्स, ये सब नकारने वाले सच हो सकते हैं। आप लोग जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता है। मैं आप लोगों की बातों पर अब यकीन करने लगा हूं। धीरे धीरे सच मेरी समझ में आ रहा है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार प्यार नहीं, भ्रम था। देखो, एक सच को 100 बार बोलकर झूठ साबित कर सकते हो लेकिन एक झूठ को 1000 बार बोलकर भी सच साबित नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारे अंदर सच्चे प्यार की भावना है, हैट्स ऑफ। लेकिन अफसोस कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो महालक्ष्मी मैं नहीं हूँ। और देखो, तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी पत्नी है, फैमिली है, जो इस प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ है। प्लीज मुझे भूल कर मुंबई जाकर अपनी इस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करवा के एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जियो। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करती हूँ। बाय, टेक केयर।